बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई फूड ब्लॉग की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको डेरू खुशियाँ अता फरमाए। तो जी, हमारा आज ईद का दिन है और हम जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। तो राशिद भाई ने सोचा है कि आज व्लॉग भी बना लें, अपने चाहने वालों के साथ हम भी ईद सेलिब्रेट कर लें। तो अब हमारा टाइम हो गया ईद पढ़ने का, तो हम जा रहे हैं। तो दिन में आपको बताएंगे कि क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह। तो जी, मस्जिद की तरफ रवाना है। मस्जिद आ गई है, देखें। की जो है ना, ये जितनी डिशे बनी ना, ये राशिद भाई ने बनाई है। तो जी जनाब, पूरा दिन जो है हम मसरूफ रहे। ईद थी आज, तो बच्चों के साथ फैमिली के साथ काफ़ी मज़े किए। तो अभी मौसम भी इंग्लैंड का अच्छा नहीं था, तो आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं लेट नाइट को। तो देख सकते हैं बच्चे भी हमारे साथ हैं, और बच्चों ने शोर मचाया था, मामू कुछ बना दो। तो मैं शीश कबाब ट्राई कर रहा हूँ, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त पक रही हैं, देखें। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर बताना है राशिद भाई को आपकी ईद कैसी गई है। हमारी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ईद आज गुजर रही है बच्चों के साथ, और मज़े का दिन गया। सिर्फ एक मौसम की प्रॉब्लम थी, आज पूरा दिन बारिश रही है। तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, तो फिर हमने सोचा चलो जी बारबेक्यू कर लेते हैं। ईद हो तो बारबेक्यू, ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मजे के शीश कबाब राशिद भाई के आज हम तैयार कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो सेव करेंगे उन्हें। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं डालूंगा चैनल पर, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो राशिद भाई है ना, राशिद भाई कमाल के शीश कबाब, कमाल की रेसिपीज, ओनली राशिद भाई फूड ब्लॉग। तो जुड़े रहिए राशिद भाई के साथ। राशिद भाई आज ठंड में, सर्दी में जो है ना, शीश कबाब और बारबेक्यू कर रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। किड्स भी, ये देखें बच्चे जो हैं बहुत सारे इकट्ठे। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो जी आज हमारी ईद बहुत ही मज़ा आया ईद पर फैमिली के साथ। साल के बाद मिलते हैं, वैसे तो मिलते रहते हैं लेकिन सब जो इकट्ठे होते हैं कज़न, बहुत ही मज़ा आता है। और बच्चों के साथ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, और बहुत ही दिन बिजी और मसरूफ था, और बहुत मज़े की ईद थी। तो आपकी भी उम्मीद करता हूँ अच्छी ईद गुजरी होगी। तो राशिद भाई आप थक चुके हैं, अब सोने की तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना डेरू सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।